दोस्तों, अगर आपसे गर्मियों में घूमने की सबसे बेस्ट जगह के बारे में पूछा जाए तो यकीनन आपके दिमाग में सबसे पहला नाम वाटर पार्क ही आएगा, क्योंकि चिलचिलाते गर्मी से राहत पाने के लिए वाटर पार्क एक बेहद अमेजिंग जगह है। इसीलिए तो आजकल आपको लगभग हर शहरों में वाटर पार्क देखने को मिल जाएंगे। वाटर पार्क का कॉन्सेप्ट हर देश हर शहर में हमेशा से ही हिट होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी से राहत देने के लिए बनाए गए ये वाटर पार्क कई बार डेंजर भी साबित होते हैं, क्योंकि इनमें बनाए गए वाटर स्लाइड पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ बेहद खतरनाक और बेहद ही अमेजिंग वाटर स्लाइड के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बेहद ही अमेजिंग होने वाली है। साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समिट प्लमेट वाटर स्लाइड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समिट प्लमेट वाटर स्लाइड के बारे में। ये वाटर स्लाइड इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसे देखने के बाद आपके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तो फ्लोरिडा के डिज्नीज ब्लेजर्ड बीच वाटर पार्क में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो चीज नजर आएगी वो है बर्फ से ढकी 10 फीट ऊंची एक पहाड़ी, जिसके ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाया गया है। दरअसल यही वो जगह है जहां से आप वाटर स्लाइड का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इस वाटर स्लाइड को एंजॉय करने के लिए आपको यहां पर 118 फीट ऊंची वाटर स्लाइड से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे पूल में जाते हुए इस बेहद ही खतरनाक मंजर को एंजॉय कर सकते हैं। कई लोग इस वाटर स्लाइड से इतनी तेजी से नीचे आने के कारण कई बार चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन यकीनन उनका ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर के लिए उनके दिल और दिमाग में कैद हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डिज्नी वाटर पार्क में बनाई गई ये माउंटेन एक आर्टिफिशियल माउंटेन है, जिसे डिज्नी ने अपने वाटर पार्क को अट्रैक्टिव करने के लिए बनाया है। किलिमंजारो। दोस्तों, ये शानदार स्लाइड रियो डी जेनेरो ब्राजील के बिल्कुल नजदीक है। वैसे तो इस स्लाइड को देखकर ही आपके होश उड़ गए होंगे। अगर सिर्फ इस स्लाइड को देखने से ही आपके होश उड़ गए हैं तो सोचिए इस स्लाइड पर राइड करने वालों की क्या हालत होती होगी। दोस्तों, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो फिर तो ये स्लाइड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि इस पर कोई भी आसानी से जाने की नहीं सोचता। ये वाटर स्लाइड लगभग 163 फीट ऊंची है, जिसकी वजह से ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्लाइड बन जाती है। किलिमंजारो 163 फीट ऊंचा है, जिसका झुकाव 60 डिग्री तक है, जिसकी वजह से इस पर स्लाइड करने वाला इंसान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आता है। दोस्तों, क्या आप इस सांस रोक देने वाली स्लाइड पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। इसानो वाटर स्लाइड बीच पार्क ब्राजील। दोस्तों, ये भी दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड में से एक है। इस स्लाइड पर राइड करने वाला शख्स 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आता है, जिसकी वजह से इस स्लाइड का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शुरुआत में ये स्लाइड कुछ हद तक फ्लैट ही है, लेकिन बाद में ये अचानक से 180 डिग्री टर्न ले लेता है। जाहिर है, इतनी ऊंची राइड में चोट तो आपको लग ही जाएगी, और सबसे ज्यादा खास बात ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। साथ ही इस स्लाइड में ऊपर से कोई भी नेट या कोई भी कवर नहीं होता। इसका मतलब आप यहाँ पर सिर्फ अपनी गारंटी पर ही जाएं, क्योंकि यहाँ की गई थोड़ी सी भी चूक आपको बेहद ही खतरे में डाल सकती है, क्योंकि इस राइड पर सवारी करते समय कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। विरक्ट कैंसर सिटी वाटर पार्क। दोस्तों, कुछ एडवेंचर्स और क्रेजी करने के लिए अगर आप अपनी लाइफ तक को रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं तो ये वाटर स्लाइड आप ही के लिए है। दोस्तों, ये वाटर स्लाइड दुनिया के सबसे लंबे और बड़े वाटर स्लाइड्स में से एक है। दोस्तों, ये वाटर स्लाइड 168 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी है, जिसे देखने मात्र से ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस वाटर स्लाइड पर आपको एक बाथ टब में राइड करनी होती है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। लगभग 17 मंजिला ऊंची इस वाटर स्लाइड का एक्सपीरियंस लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक रहता है। दोस्तों, 2014 में जब ये स्लाइड बनी थी तो इस पर राइड कर रही एक महिला का जबड़ा और हड्डियां टूट गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक 10 साल के बच्चे को तो अपनी जान ही गंवानी पड़ गई। साथ ही यहाँ पर और भी कई लोगों को बेहद गंभीर चोटें हुई हैं, जिसके बाद इस स्लाइड पर ऊपर से नेट लगवाई गई, फिर भी लोगों ने इसकी सवारी करना कम कर दिया। लीप ऑफ फेथ। दोस्तों, लीप ऑफ फेथ राइड बहामास के अटलांटिस पैराडाइज द्वीप पर स्थित है। इस खतरनाक वाटर स्लाइड में राइडर्स को 60 फुट नीचे तक ले जाया जाता है। ये स्लाइड बेहद ही ऊंची होने के साथ साथ एक और खतरनाक बात ये भी रखती है कि इस
पूल के अंदर शार्क मौजूद होती है जिसके अंदर से राइडर को गुजरना होता है। दरअसल ये स्लाइड एक अंडर वाटर ट्रांसपेरेंट ट्यूब से होकर गुजरती है जिसके चलते राइडर्स को इस ट्यूब से गुजरते हुए उसके आसपास शार्क की मौजूदगी का एहसास होता है। दोस्तों 7 फीट लंबी ट्रांसपेरेंट ट्यूब से जब आप राइड करेंगे तो आप अपने आसपास मौजूद शार्क को आसानी से देख सकेंगे जो कि इस राइड को बेहद खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही एडवेंचर भी बनाता है। शूट द रैपिड सीजर पॉइंट ओहायो। दोस्तों शूट द रैपिड स्लाइड एक काफी ऊंची और बेहद ही ऊंचाई पर स्थित एक वाटर स्लाइड है जो ओहायो के सीजर पॉइंट में मौजूद है। इस वाटर स्लाइड को जून 2010 में खोला गया था जो कि टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। ये खतरनाक वाटर स्लाइड एक ऐसी वाटर स्लाइड थी जिसमें एक साथ 10 लोग राइड कर सकते थे। धीरे धीरे इस स्लाइड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग यहाँ पर काफी ज्यादा आकर इस स्लाइड का मजा लेने लगे। दरअसल उस दिन भी अन्य दिनों की तरह ही स्लाइड बोर्ड पर पैसेंजर लोड किए गए लेकिन अचानक मशीन बंद हो जाने की वजह से बोट आगे को चलने की वजह पीछे को चलकर पलट गई जिसकी वजह से कई पैसेंजर को काफी गंभीर चोट लगी जिनमें से कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए जिसके चलते इस स्लाइड को बंद कर दिया गया। आगे बात करते हैं स्टीमर स्लाइड कैलिस्पो वाटर पार्क कनाडा। दोस्तों इस स्लाइड पर 2015 में 20 सुरक्षा मानकों को उल्लंघन का आरोप लग चुका है और इसी की वजह से इस स्लाइड में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई थी। इस कारण से इस स्लाइड को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया और वाटर पार्क से इसे हटा दिया गया। दोस्तों कनाडा में स्थित कैलिस्पो नामक इस वाटर पार्क में सालाना लगभग 10 से लगभग 15 लाख तक विजिटर आते हैं। इस वाटर पार्क को 2007 में खोला गया था जिसको बनाने के लिए तकरीबन $65 मिलियन की लागत आई थी। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही खतरनाक वाटर स्लाइड। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।